तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का दिगंत भाग 2 का काव्यखंड। और ये बहुत ही शानदार बोले तो क्या, ये जनमानस का मतलब होता है कि पूरी जनता मिल करके किस तरह शोषण वर्ग समझते हैं, यानी कि एक होता है शोषक वर्ग और एक होता है शोषण वर्ग, समझिएगा। यानी कि अमीर लोग गरीबों का खून चूसते हैं, यानी कि परेशान करते हैं ना, तो ये हो गए शोषण कर रहे हैं। और शोषक वर्ग माने हो गया गरीब, जिसका शोषण हो रहा है उसे शोषक वर्ग कहते हैं। तो इसमें पूरे के पूरे इस कहानी, इस कविता में यहाँ पे जन एकता के बारे में किया गया है कि अब गरीबों का शोषण तुम नहीं कर सकते हो, अब जन जन का चेहरा एक है। इसका मतलब जन माने हर लोग का चेहरा एक है, अब सभी लोग एक हो चुके हैं और एक होकर के बदला तो लेंगे ही, इसमें यही जानना है। और इसको लिखा किसने है तो याद रखिए, गजानन ने लिखा है। कौन? गजानन। अब कैसे बाबू याद रखिएगा गजानन? यहाँ देखिए, गजानन गणेश भगवान को बोला जाता है। और गणेश की पत्नी, आप बता दें आपको कि माँ का क्या नाम है, आप कमेंट में बताइए। अगर गणेश की मां का नाम याद हो जाएगा तो इस गजानंद के भी मां का नाम याद हो जाएगा, ठीक है। गणेश मानो मुक्ति बोध, इन नाम में देखिए तो छिपा हुआ है। इस पूरे के पूरे कविता अगर आप जो भी देखिएगा, इनके नाम में ही छिपा है, मानो मुक्ति बोध, यानी मानो को मुक्ति मिल जाएगी। इस लेसन को जब आप पढ़ लीजिएगा तो ऐसा लगेगा कि सही में मानो को अब मुक्ति मिल रही है। गजानन मानो मुक्ति बोध, इनके लेखक यानी कि ये लेखक है। और लेखक ने क्या लिखा है? जन जन का चेहरा। अब याद कैसे रखेगा? तो यहाँ देखिए, जन जन लिखा है ना, जन, और गजानन में भी जन है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए गजानन और जन जन का चेहरा लिखा है, ये याद रखिएगा। इनका जन्म 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917। वैसे रूस की क्रांति भी 1917 में ही कंप्लीट हुआ था, ठीक है। इनका जन्म 1917 में होता है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर है, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ेगा ग्वालियर। और ये मराठी भाषा के कवि थे, मतलब ज़्यादा मराठी बोलते थे, लेकिन और कवियों की तरह नहीं थे। और कभी देखिएगा, जितने कवि चर्चा होता है उसमें कवि ने बहुत अच्छा से पढ़ाई किया होता है, लेकिन ये कुछ अलग है। गजानन का मतलब गणेश भगवान, एक तरह से समझना है तो समझ सकते हैं। और गणेश भगवान थोड़ा शरारती थे, तो ये भी बड़ी शरारती हैं, बड़ी ज़्यादा फेल हुए हैं अपने मतलब पढ़ाई के, शिक्षा दीक्षा के समय में, मतलब क्या बताएं, हैट्रिक मार दी है फेल होने के चक्कर में। यहाँ देखिए, हैट्रिक मारने से बचा दिए। जब इनका जन्म 1917 में हुआ और 1964 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, जन्म 1917 और मृत्यु 1964, 60 से 4 साल बाद। माता का नाम पार्वती बाई, आपको बताए थे ना, पार्वती बाई। और पिता का नाम माधव राज मुक्तिबोध, ये तो खानदान में लगता है, मुक्तिबोध लास्ट वाला याद रखिएगा। इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। अब ध्यान से देखो, बहुत अच्छा तरीका से, बहुत उज्जैन में, ठीक है, माधव कॉलेज में इन्होंने शिक्षा ग्रहण कर लिया। यहाँ पे ग्वालियर बोर्ड से शिक्षा, मिडिल स्कूल की परीक्षा, लेकिन उस शिक्षा में क्या किए, असफल हो गए, फेल हो गए। देखिए, मिडिल स्कूल में ही ये क्या हो गया, फेल हो गए। उसके अगले साल बाबूजी के डांट फरकार से फिर एग्जाम दिए और पास हो गए, यानी 30 में फेल हो गए और 31 में क्या हो गए, पास हो गए। इतना आपको समझ में आए। अब देखिए, यहाँ पे 1935 में जब बाबूजी डांटे थे तो था कि अरे मतलब इस बार अगर फेल हो जाएंगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो 1935 में इंटर की परीक्षा एक ही बार में फाइनल हो गए, बहुत खुशी की बात है यार, एक बार में फाइनल कर गए, ठीक है। उसके बाद से 37, दो साल के बाद इन्होंने क्या करना शुरू किया, बीए करना शुरू कर दिया इंदौर से। और बेचारे फिर बीए में जा करके बहुरा गए, मतलब बकलोल हो गए, और फिर ये असफल हो गए। अब फिर बाबूजी का डांट पड़ेगा, तो फिर एक साल बाद फिर से एक बार एग्ज़ाम दिए और 37 के बाद 38 में वो एग्ज़ाम बीए का क्लियर। उन्होंने 53 में क्या किया, एमए की पढ़ाई की, और एमए की परीक्षा हिंदी से पढ़ाए, किससे, ऐसे भी मतलब मास्टर ऑफ आर्ट होता है, क्या होता है, एमए का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट, और हिंदी से इन्होंने एमए किया, ठीक है। अब लेकिन एक चीज था, लिखने का बड़ा शौक था, कवि बनने का बड़ा इनको शौक था, तो इन्होंने बचपन से 20 वर्ष की उम्र में मिडिल में मास्टरी करना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया था 20 वर्ष की उम्र में। अब देखिए, 1948 से लेकर 1965 तक नागपुर में सूचना विभाग, याद रखिएगा, सूचना विभाग और पत्रकार के रूप में इन्होंने काम किया था। कब? 1948 से लेकर 1965 तक नागपुर में सूचना विभाग और पत्रकार, दो को याद रखिएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नागपुर में सूचना विभाग और पत्रकार, क्या बोलते हैं उसको, पत्रकारिता में कब से कब तक रहे, तो आप याद रखिएगा 1948 से 65 के बीच में।
अब यहाँ देखिए 1900 आपकी किताब में लिखा है 1948 से 1965 के बीच में, ठीक है, ये नागपुर में सूचना विभाग में पत्रकारिता के रूप में भी यहाँ रहे थे। आप बताइए इनकी मृत्यु हो गई है 1964 में, तो 65 में कहाँ से रहेंगे, यानी कि आप याद कीजिए 1948 से 1965 के बीच में रहें तो 64 आ रहे हैं, तो मात्र 64 तक ही रहे थे, ठीक है, 65 तक नहीं रहे क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए 1956 में ये मस्ट वीवी, यहाँ से तो ऑब्जेक्टिव बनता ही है, 1956 में नागपुर से निकलने वाला एक पत्र था जिसका नाम था नया खून। क्या था? नया खून। 1956 में एक पत्र निकला जिसका नाम था नया खून। नया खून के ये संपादक थे, ये याद रखिएगा, किसके साथ आपसे पूछ देगा नया खून के संपादक कौन थे, तो कौन थे, यहाँ मुक्ति बोध थे, मानव मुक्ति बोध या गजानन मानव मुक्ति बोध थे। लेकिन यहाँ पे एक और डेट रहेगा 1958 में आपको पढ़ना होगा कि नया मुक्ति बोध अच्छा तरीके से मुक्त हो गया था इसमें 1958 में, लेकिन इनके शुरुआत कब हुआ था 1956 में, किसके द्वारा, मानव मुक्ति बोध के द्वारा हुआ था। अब देखिए 1958 में जब सब लोग ने देखा कि काफ़ी अच्छा इनका किताब चल रहा है, ठीक है, तो भाई कॉलेज वाले भी तो देखेंगे ना कि आज ये मेरे यहाँ प्रधानाध्यापक रहिए, प्रधानाध्यापक रहिए। तो यहाँ देखिए दिग्विजय महाविद्यालय और यहाँ पे है राजनाथ गांव में ये प्राध्यापक के रूप में रहे, प्रधानाध्यापक या प्राध्यापक यहाँ पे दे दिया गया है। ये कब, इसके ठीक 2 साल के बाद, इसी के करीब करीब। यहाँ देखिए अब इन्होंने क्या क्या लिखा है, इनकी कृतियाँ क्या है, तार सप्तक। वैसे आपको हम कल बताए थे, कल वाले वीडियो में आपको बताए थे इसके पिछले सन में, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, प्रथम सप्तक क्या होता है, सप्तक का मतलब होता है 7 कवियों का ग्रुप, तो तार सप्तक पहला, मतलब कि ये पहला ग्रुप का नाम है। तार सप्तक का मतलब होता है, सप्तक का मतलब कि कवियों के ग्रुप को सप्तक कहते हैं, 7 कवियों के ग्रुप को सप्तक कहते हैं। और तार सप्तक के संपादक कौन थे, यानी कि कवियों के ग्रुप के हेड कौन थे, तो याद रखिएगा आपको हम बताए थे कि अज्ञेय थे, कौन थे, अज्ञेय थे। और तार सप्तक के ग्रुप बनाया कब गया था, तो 1943 में बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1943 में, ये आप बता चुके हैं आपको। अब देखिए तार सप्तक के ये कवि, आपसे पूछा जाएगा कि गजानन मानव मुक्ति बोध किस ग्रुप के थे, कौन से सप्तक, तो तार सप्तक के कवि थे, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि चांद का मुंह टेढ़ा, सराती तो थे तो ऐसे ही लिखे करेंगे, हम जानते नहीं है चांद का मुंह टेढ़ा है तो वैसे ही है। यहाँ पे क्या लिखे हैं, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाल धूल, ठीक है। अब उसके बाद से इनकी थोड़ा सा अपने से यहाँ पे कुछ कवियों के डेटा हम लिखे हुए हैं जिससे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के कवि थे, ये बहुत पहले प्रयोगवाद के थे, लेकिन रहे नहीं, ये अपना नेचर बदल के दूसरे टाइप का कविता लिखने लगे। तो ये स्टार्टिंग में तो ये प्रयोगवाद के क्या थे, प्रयोगवाद के कवि थे, और तार सप्तक के भी कवि थे जो लिख दिए हैं, लेकिन अब ये मार्क्सवादी विचार के हो गए, कार्ल मार्क्स समझते हो ना, उनके विचार के हो गए हैं, ठीक है, और क्रांतिकारियों के बारे में ज़्यादा लिखते थे अब, ठीक है। इस कविता में पता है क्या लिखा गया, गरीब जनता की एकता के बारे में जिक्र किया गया है कि जिस तरह सभी अमीर एकजुट हो करके और क्या करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, लेकिन अब वो दिन नहीं रहा, अब जन जन का चेहरा एक हो चुका है, अब सभी चेहरा सभी लोग एक हो चुके हैं, अब यहाँ पे आप शोषण नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में इसमें देखना है। तो बिना देर किए हम लोग लेसन को देखते हैं। इस लेसन में हम लोग देखने वाले हैं गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा लिखी गई एक कविता, बहुत ही शानदार है, जन जन का चेहरा एक। आखिरकार इस शीर्षक का नाम, शीर्षक माने कि लेसन के सिर पर जो लाइन लिखा जाता है, वो लाइन का मतलब होता है कि वही लाइन अंदर भी उस लाइन का जिक्र सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए होता है कि वो शीर्षक बन जाता है, ठीक है। तो शीर्षक जो है जन जन का चेहरा एक, सबसे पहले इसका नाम ये क्यों रखा गया है इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जन जन का चेहरा का एक का मतलब क्या, जब इस समाज में दो वर्ग के लोग होते हैं, कौन कौन, एक अमीर वर्ग एक गरीब वर्ग। अब समझिएगा ध्यान से बाबू, अमीर वर्ग गरीब वर्ग को परेशान करता है तो क्या करता है, सभी गरीब को बराबर रूप से परेशान करता है, यानी एक ही तरह से परेशान करता है, यानी सभी जन का चेहरा एक ही होता है, और अमीर वर्ग उसको क्या करता है, परेशान करता है। आज जो परेशान करता है अमीर वर्ग, समझिएगा, इन लोग सभी अमीर वर्ग का एक ग्रुप होता है, इन लोगों का भी चेहरा एक होता है और एक ही तरह के सोचता है कि बस इनको परेशान करना है, यानी हर जगह जन जन का चेहरा एक है, इसी के बारे में इस लेसन में हम लोगों को देखना है, जिनको लिखे हैं गजानन माधव
मुक्ति बोध, ये याद रखिएगा। चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, जन जन का चेहरा एक, यानी चाहे आप किसी भी देश दुनिया में चले जाइए, सबका चेहरा एक है, सभी लोग क्या है, समान है, समान हित की बातें करते हैं, सभी का चेहरा एक है। लेकिन वो कहीं चले जाइए, कहाँ जाइएगा, एशिया में, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। आप एशिया, अमेरिका, यूरोप कहीं भी चले जाइए, यहाँ पे जो भी सूर्य की किरणें निकलती है, ये सब बराबर रूप में अपना सूर्य का किरण प्रकाशित करती है, बराबर रूप में फैलाते हैं, यानी सभी का मत एक होता है, जब हमारे बीच सूर्य अंतर नहीं करता है, यहाँ समझिएगा। कष्ट दुख संताप के चेहरे पर पड़ी हुई झुरियों का रूप एक। जब हमको कष्ट होता है, दुख होता है, संताप, हम लोग वियोग में चले जाते हैं, तो उस वक्त जो हमारे चेहरे पर झुरियाँ पड़ जाती है, मायूसी पड़ जाती है, वो सब एक रहता है। उस वक्त एक गरीब को जब परेशान करोगे, तो यहाँ अगर कोई अमीर वर्ग किसी गरीब को परेशान करता है, और जो गरीब को दुख पहुँचता है, अगर वो अमेरिका के भी गरीब अगर ऐसे ही प्रताड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसको भी यही दुख होगा। यानी कि उस वक्त दुख के समय भी सबके चेहरे की झुरियाँ एक होती है, सबके चेहरे पर खींची गई लकीरें, यानी झुरिया लकीरें ऐसे पड़ जाता है ना यहाँ पे, ठीक है, ये सब क्या है, समान है। जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुठिया का लक्ष्य एक। जब आप जोश में आते हैं और जब आप मुट्ठी बांधते हो, मुट्ठी बांधते वक्त जो आपको अंदर से वो ताकत मिलती है, वो ताकत एक है, ठीक है, सबके अंदर वो भावनाएं आती हैं। यहाँ देखिए अगला लाइन, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है, जनता का दल एक पक्ष है। पृथ्वी के कहीं भी धरातल पर चले जाइए, जनता का दल और जनता का पक्ष एक समान होता है, इस लेशन में यही बताया गया है। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीप्त उसका विकराल सा इशारा एक। जनता क्रोधित होती है, उस वक्त उसका क्रोध लाल जलते हुए सूर्य के समान उसी तरह बहुत ही भयानक होता है, और वह जो गुस्से का इशारा होता है वो सब एक है। क्योंकि उस वक्त अगर मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है और हमारे अंदर जो गुस्सा आ रहा है, अगर वही गुस्सा कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो उसका और मेरा दोनों का इरादा एक ही होता है कि अब हमको तकलीफ हुआ तो हम तो बदला लेंगे। अगर दूसरे भी कंट्री में किसी को गुस्सा आ रहा है, तो उसका भी मत एक ही होगा। गंगा में, इरावती में, मीनाम में अपार अकुलाती हुई नील नदी, अमेजन, मिसौरी की वेदना से गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का इशारा एक। यहाँ समझिएगा, जिस तरह से गंगा, इरावती, मीनाम में ये काफ़ी अकुलाती हुई नदी आती है, और इन लोगों जैसे नील नदी, अमेजन, मिनोरी की वेदना एक, अगर इन लोगों को जो भी दुख तकलीफें होता है, जैसे एक देश से दूसरे देश में जाती है और एक ही रूप में जाती है, सबकी वेदनाएँ, सबका हित समान होता है, यहाँ वही कह रहा है कि प्यार का इशारा एक और क्रोध का इशारा एक। जिस वक्त नदी क्रोधित हो जाती है, तो सबका विनाश करती है, सभी नदियां विनाश करने लगती है, और जब प्यार करती है, तो वो हर देश दुनिया में बराबर उससे अपने पानी द्वारा क्या करती है, सिंचाई वगैरह करती है, और जब विनाश करती है, तो भी वो भी बराबर हिसाब से करती है। ये नहीं कि किसी के घर में जाए, किसी के घर में नहीं जाए, सबका हित क्या होता है, समान होता है। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु के काले से पहाड़ पर काला दुर्ग एक, और जन शोषक के शत्रु एक। यहाँ समझिएगा, संसार के जितने भी दुष्ट लोग हैं, अनेक अत्याचार करते हैं, अपनी पूरी की पूरी काली साया पूरे विश्व में फैला रहे हैं, मानव के दुश्मन और जनता का शोषण करने वाला, ये सब लोग एक हैं और जनता का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, ठीक है, और ये एकदम चारों तरफ से पहाड़ के रूप में खड़े हैं जनता के शोषक, यानी कि अमीर लोग। अब समझिएगा, आशामयी लाल किरणों से अंधकार चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक। आशामयी एक लोगों के अंदर आशा उम्मीद झलकता है कि जब शाम हुआ है तो सुबह भी होगा, उसी तरह जब दुख आया है तो एक बार सुख भी होगा, यानी हर चीज का अंत होता है। तो वही कहा जाए, आशामयी लाल किरणों से अंधकार चिरता हुआ, जब आशा की किरणें जब निकलती है सुबह में, तो अंधकार को चिरती है और मित्र का स्वर्ग एक। और हम लोग क्या बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, स्वर्ग की तरह महसूस करते हैं, और अंधेरा क्या होता है, अंधेरा लगता है कि नर्क में आ गए, ऐसा होता है कि नहीं। जन जन का मित्र एक और पूरे जनता का मित्र एक है, और वो सूर्य है, ये किसी से भेदभाव नहीं करता है। अब देखिए, विराट प्रकाश एक, क्रांति का ज्वाला एक, ठीक है, यहाँ पे धड़कते वृक्षों में सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मोच में वेदना की तार एक, और हिये में हिम्मत का सितार एक, और चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, जन जन का चेहरा एक। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हमें दुख कष्ट, जितने भी गरीब लोगों को कष्ट मिलता है, वो कष्ट एक तरह के, उनके पैर की मोच, यानी पैर की मोच एक तरह की है, माने हर समाज में एक ही तरह के शोषण वर्ग हैं, यानी गरीब वर्ग है जिनको परेशान किया जा रहा है, इसका अर्थ यही निकल रहा है।
अब देखिए विराट प्रकाश एक आप देखे होंगे जो भी सूर्य की किरणें निकलती है चारों तरफ बराबर फैलती है, किसी से जात पात का भेदभाव नहीं करता। विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला एक, वो अंदर का गुस्सा एक है, ठीक है। धड़कते वृक्षों में सत्य का उजाला एक, और वो जो धड़कते वृक्षों में है ना सत्य का, वो सत्य का उजाला एक है, सबका मत एक है। एशिया के यूरोप के अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान। आप देखे होंगे एशिया अलग है, यूरोप अलग है, इन लोगों के भौगोलिक क्षेत्र जमीन अलग अलग है, फिर भी वहाँ के सभी लोग लगभग लगभग आकर के हिंदुस्तान में निवास करते हैं कि नहीं, और हम लोग बराबर रूप से सबको देखते हैं। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि सभी बंधनों को तोड़ने के बाद ये सभी एक हिंदुस्तानी के रूप में रखते हैं, सभी लोग एक हैं। जैसे कि विदेश में जाइएगा, दूसरे विदेश में भगवान कृष्ण की पूजा होती है, ठीक है। आप लोग इंडिया में देखे हैं, बहुत सारा यूट्यूब पर वायरल भी हो रहा है कि विदेशी आकर के और कृष्ण की भक्ति में खोए हुए नाच रहे हैं। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, सभी ओर बहने हैं, सभी ओर भाई है, सभी ओर कन्हैया ने गाय चराई है, सभी ओर बहने हैं, सभी ओर भाई है, और हर जगह कन्हैया गाय चराए, जिंदगी की मस्ती की आकुलाती भोर एक, वंशी की धुन सभी ओर एक, और चारों तरफ पूरे भारत में वंशी की धुन भगवान कृष्ण का सुनाई दे रहा है। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक, जन जन का शीर्ष पर शोषक और अति घोर एक, दुनिया के हिस्से में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। अब समझिएगा यहाँ पे, इस दुनिया में सभी मानव एक हैं, सभी दुरात्मा एक हैं, आत्मा एक हैं, सभी चोर एक हैं, एक ग्रुप से आते नहीं। यहाँ पे कहा जाता है कि भाई चोर चोर मौसेरा भाई, इसका मतलब क्या होगा, यानी चोर का डिपार्टमेंट अलग होगा, दानव का डिपार्टमेंट अलग है, ये सब ग्रुप में अपने एक हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि सब कुछ एक है। मस्तक की महिमा वो अंतर की उष्मा, यहाँ समझिएगा, मस्तक में हम जो भी सोचते हैं, जिस तरह के भी हमारे अंदर वेदनाएँ आती हैं, वो अंतर की उष्मा से उठती ज्वाला अति क्रूर एक। अगर मस्तिष्क में हमारे गुस्सा आ रहा है, ज्वाला भड़क रहा है, तो वो हर व्यक्तियों के अंदर वैसा होता है जब परेशानी बढ़ती है। संग्राम का घोष एक, अगर मान लीजिए कि आप क्रांति कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उस वक्त जो संग्राम का आपके अंदर आएगा, वहां के पूरे समाज के अंदर तो वो क्रांति आएगा ना, तो संग्राम एक। जीवन संतोष एक, क्रांति का निर्माण का विजय का सेहरा एक, चाहे जिस देश का प्रांतपुर का हो जन जन का चेहरा एक। क्रांति का निर्माण का विजय का, जब सभी लोग आज़ाद हो जाते हैं, विजय होते हैं, उस वक्त सबका चेहरा क्या होता है, एक समान होता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबका मत एक था कि भारत को आज़ाद कराना है, तो यही बोला जा रहा है कि जन जन का चेहरा एक। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा।